बात करेंगे इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की। जी हां, 10 बजे की पांच बड़ी खबर की शुरुआत सबसे पहले बात कर्नाटक के सीएम को लेकर। कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया का नाम अगले मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नए सीएम को लेकर लगातार मंथन जारी है। तो वही 10 बजे के इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज सरकार की कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि महिलाओं लाडली बहना योजना 2023 और मंदिरों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी आज दी जा सकती है। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर पर नजर डाली जाए तो ये है मिशन 2023 से जुड़ी हुई। जी हाँ, मिशन 2023 में बीजेपी अब जुट गई है, अपने चुनावी एजेंडा को अब तय करने वाली है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक भी लेने वाले हैं। तो बता दें कि बैठक में 100 परिवारों से मिलने के लिए महासंपर्क अभियान शुरू करने की रणनीति तैयार की जाएगी। तो चौथी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां HUT आतंकी संगठन से जुड़े कई आरोपियों ने धर्म परिवर्तन किया है। आपको ये भी बता दें कि भोपाल के करीब बैरसिया के रहने वाले सौरभ राज वैद्य धर्म परिवर्तन के बाद मोहम्मद सलीम बन गए। इस संबंध में सलीम के पिता ने पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में शोपीस एंड प्रोग्रेस को बंद करने की बात भी लिखी है। और आखिरी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें उत्तराखंड से। जी हां, उत्तराखंड से एक बार फिर भूस्खलन की खबर सामने निकल कर आ रही है। आज उत्तराखंड के तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर गर्भाधार में भूस्खलन हुआ है। बता दें कि भूस्खलन की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वही प्रशासन इस खबर के बाद से अलर्ट मोड में भी नजर आ रहा है। तो इस वक्त की पांच बड़ी खबरें और पांच बड़ी खबरों की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।